चलो शुरू करते हैं अपना। अब आपका जो बीच में से जो मिसिंग हुआ था ना, अब वो एक्चुअली बेटे देख नहीं पाए। ये आज पढ़ाता हूँ, आज शायद ये खत्म हो जाएगा, कल शायद ये खत्म नहीं हुआ था, है ना। उसके बाद देखता हूँ कि अब कहाँ तक है, हो गया था कहाँ तक नहीं, ठीक है। उसके बाद में वो आपका जो बच्चा हुआ था ना पढ़ना, स्टार्ट करता हूँ। कहाँ तक कराया था कल मैंने, यहाँ तक पढ़े थे प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये भी हमने पढ़ लिया था, एटॉमिक साइज हमें पढ़ना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना हमारी, एक बार मैं कंफर्म कर दूँ, हो रही है। हाँ। एज वन मूव्स डाउन अ ग्रुप जैसे हो जाता है साइज ऑफ एटम्स ऑफ सक्सेसिव, मतलब आगे आने वाले जो एलिमेंट्स हैं इंक्रीज हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव इंक्रीज को बोलते हैं प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द ग्रुप ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप वन एटॉमिक साइज इंक्रीज मूव सीजन सीजन एग्जाम्पल मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज लाइक करेक्टर इंक्रीजेस एज वन मूव्स डाउन अ ग्रुप, ऊपर नहीं नीचे। जैसे ही आप बैकग्राउंड नीचे आते हो आपका मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 15 में जो नाइट्रोजन होते हैं फॉस्फोरस होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, है ना। आर्सेनिक एंटीमोनी हैज मेटलॉइड्स एंड बिस्मुथ इज अ टिपिकल मेटल, तो वो कह रहा है ग्रुप वन है ये। सर नॉन मेटल से थोड़ा थोड़ा मेटल वाला फीचर आया, मेटलॉइड बन गए, मेटल मिल गए। ऐसा नहीं कि ये बन गए, ऐसा नहीं है कि ये बन जाएंगे, जो भी हमने पढ़ते आ रहे हैं ये बन जाएंगे नहीं। ये सर जो आगे वाले जो होंगे ना उनके अंदर ये फीचर्स होंगे, ग्रुप वन और आगे गए तो नॉन मेटल से मेटलॉइड हो गया, और आगे गए तो मेटलॉइड से सीधा मेटल मिल गया, ठीक है। तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सर जो है ना नाइट्रोजन ये पहले मेटलॉइड बनेगा फिर मेटल बनेगा, नहीं ऐसा नहीं है। इट इज ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑन टॉप टू बॉटम दैट ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स बिकम इंक्रीजिंगली बेसिकल कैरेक्टर। अब इसका कोई रेलिवेंस है नहीं, देखते हैं कुछ मिलता है तो। हाइड्रोजन हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ग्रुप वन एल्काली मेटल आर द एल्काली मेटल ऑफ दैट ग्रुप बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू दोज ऑफ द एल्काली मेटल्स। बोथ हाइड्रोजन एंड एल्काली मेटल्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउएवर हाइड्रोजन एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड देयरफॉर मेनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एल्काली मेटल्स। ठीक है, एज सच वेल डिस्कस में एल्कली मेटल्स ऑफ ग्रुप वन हाइड्रोजन इज इग्नोर्ड, हाउएवर सम पीरियडिक टेबल हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन एनी ग्रुप इट इज ट्रीटेड एज अ वेरी स्पेशल एलिमेंट एंड दिस प्लेस्ड अलोन एट द हेड ऑफ पीरियडिक टेबल। कुछ काम का नहीं है, आप उसे लाइन वाली याद रखो, अरे याद सॉरी, कहीं कहीं तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा आपका किसी है ना, आपका किसी है ना, तो वहाँ पर उसको बहुत वेरी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। उसको बिल्कुल हेड में पीरियडिक टेबल के हेड में रखा जाता है।
सबसे पहले आते हैं नंबर ऑफ सेल्स के, नंबर ऑफ सेल्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड, एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स रिमेन द सेम, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो रिमेन सेम ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्ड पीरियड द नंबर ऑफ सेल्स रिमेन थ्री, नंबर ऑफ सेल्स तीन ही रहेंगे इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल एंड गिवन पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट राइट। हाँ, लेकिन जो वैलेंस सेल है वो आपके इंक्रीज होंगे, जैसे आप लेफ्ट से राइट तक जाते हो तो वो इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। वैलेंसी ऑफ एन ऑफ एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, अभी बात करें वाक्य होगी वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीज अरिथमेटिकली, अरिथमेटिकली मतलब क्या एवरेज कह सकते हो बट एवरेज नहीं होता है में नहीं, वन टू फोर एंड बैक टू वन, यानी सर वन टू फोर जाएगी फिर वापस वन हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं कि वन टू फोर जा रही है तो वापस वन आ गई, ठीक है। बट बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, अगर आप इन्हें कि लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं कि अगर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बैलेंस निकालोगे तो एक सौ सात तक पहुँच जाती है, एक सौ सात तक इन सबों को ऑक्सीजन के साथ देखा गया है, यहाँ पर इनको हाइड्रोजन के साथ देखा जाता है। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जैसे लेफ्ट से राइट टू जाते हैं तो एटम का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू, चलिए। Thus, in a particular period, alkali atoms are the largest size and halogen atoms are the smallest. क्योंकि alkali atom left hand side को होते हैं तो सबसे बड़ा होता है और halogen right side होता है तो सबसे छोटा होता है, ठीक है। देखो बताते आ रहे हैं, lithium बड़ा, फिर right की side हम गए तो हमें जो नया element मिला वो सबसे छोटा, फिर उसके next side के जो अलग element मिला वो सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। सिंस इन अ पीरियड, एक पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल चेंजेस, और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए, डिफर करनी चाहिए। हाँ, अब तब वो कह रहा है रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस अप, सबसे पहले तो रिएक्टिविटी घट के डिक्रीज होते हुए कहाँ तक पहुँचा ग्रुप फोर तक एंड देन इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, यानी फिर रिएक्टिव। अब जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते होगे मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाते होगे, ठीक है, तो आपकी रिएक्टिविटी पहले चेंज पहले कम होगी, है ना, आप 14 लेवल तक की डिक्रीज होगी तो बढ़ने लगेगी। दस ग्रुप वन एलिमेंट्स आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल सिस्टम, कह रहे हैं ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। एंड दोज ऑफ ग्रुप 17 आर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटलिक कैरेक्टर हुआ। ऑन मूविंग फ्रॉम इन टू राइट इन अ पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, जो हमें पीछे पड़ा था जैसे लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं गिरेगा, दैट इज इट चेंजेस फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक, ठीक है। द लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड इज इनर्ट, लास्ट से एलिमेंट होता है हर पीरियड में वो इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है। ये नियम गैस है जहाँ तक मैं जाता हूँ। ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन अ प्रोग्रेसिवली लेस बेसिक इज रिमूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑक्साइड जो भी होते हैं एलिमेंट का
वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है, धीरे धीरे भी नहीं, बढ़ती जाती है प्रोग्रेसिव, बढ़ती जाती है प्रोग्रेसिव भी ले सकते हो, पहले 1 पॉइंट कम होगा, बाद में 1.1 कम होगा, फिर उसके बाद 1.21 होगा, यानी स्पीड बढ़ती जाती कम होने की। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द ऑप्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन अब ऑक्सीजन की जगह एसिड बन जाते हैं। फाइव बी, इसमें फाइव सी भी है। ये लास्ट है। चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, कौन बोल रही है? स्पेसिफिक ग्रुप्स, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें ग्रुप वन, जहाँ पर एल्कली मेटल्स होते हैं, जहाँ पर एल्कली मेटल्स होते हैं तो वो कहते हैं एलिमेंट्स सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड द फ्रेंसियम हैव 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 सॉरी आई डोंट नो द सेल बोलो ऑर्बिट बोलो, एक बात है वन इलेक्ट्रॉन, केवल वन इलेक्ट्रॉन दैट आउटर मोस्ट से सबसे बाहरी वाले ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एंड देयरफॉर सो वन वैलेंसी और स्टूडेंट की वैलेंसी भी क्या होती है, एक ही होती है। सो दे आर प्लेस इन आई ए ग्रुप, इसे इनको आई ए ग्रुप में प्लेस किया सर। आई ए ग्रुप मतलब क्या, फर्स्ट कॉलम ऑन द लेफ्ट साइड, आई ए को आई ए की पोजिशन को समझा रही है, ठीक है, फर्स्ट ए है बेसिकली वो तो। दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स सर, क्यों उनको एल्कली मेटल्स क्यों हो जाता है? अब ये चीज़ ना इनको स्टार्टिंग में देनी चाहिए थी ना, तो कोई ना जब रीजन चारिश्मिक को एक्यूमलेट कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स एज एज मतलब क्योंकि बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट करते हैं ताकि वो अपना हाइड्रोक्साइड बना सके, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज होता है, काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज होता है। दो मैगनीज है, कोई मेटल वाली मैगनीज की बात कर रहा है, एल्कलाइज मेटल है इसके टू एटम्स हैं, उसको वाटर से इंक्लूड रिएक्ट किया गया तो MeH बन गया और एक H2 अलग हो गया, यानी हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। वेर इज एम, वेयर एम इज एनी मेटल ऑफ फर्स्ट ग्रुप, हाँ किसी का ही मेटल ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर, ये एम देखो ये एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट एलिमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स में किस में आंसर है वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर भी समझो लिथियम के टू टू वो पोटेशियम की टू लिथियम की, फिर सोडियम की यहाँ पर टू है विद रेस्पेक्ट टू सोडियम टू, फिर एट किस तरफ किस तरफ किस तरफ ऑर्डर होती है। फिर कह रहे हैं अक्रियंस वेरी रिएक्टिव ऑब वेरी रिएक्टिव ऑब्वियसली होता है, फर्स्ट टू लेवल के सारे जो एल्कली मेटल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट। अब फ्री स्टेट में क्या कहते हैं रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई से रिएक्ट करते हैं, मिलकर रिएक्ट करते हैं, नहीं कि ओपन एरिया में अकेले ही एकदम रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं आपस में रिएक्ट नहीं करते, फ्रीली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नेचर दे आर वेरी सॉफ्ट, दे आर नॉट हार्ड, वो सॉफ्ट होते हैं तो आप नाइफ से इजिली कट कर सकते हो, एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होते हैं। बॉन्डिंग ऑल एल्कली मेटल सॉल्ट्स आर आयोनिक इन नेचर एक्सेप्ट लिथियम सॉल्ट,
एक्शन ऑफ एट यार यहाँ पे क्या कर सकते हैं यार। ओके यार ओके यार ओके यार ओके ये बहुत जल्दी मिसाइल तैयार कर सकते हैं करते हैं रिएक्ट करते हैं ड्यू टू देयर रिएक्टिव नेचर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कैप्ट इन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक केरोसिन। अब अगर इसी रिएक्टिव नेचर की वजह से उनके ऊपर के उनको एक इनर्ट सॉल्वेंट में रखा जाता है लाइक केरोसिन है ना, हवा में उड़ जाता है केरोसिन अगर आपको पता हो तो। रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल्स इंक्रीज डबल, मतलब एक एक निशान जाते जाओगे तो इसकी जो रिएक्टिविटी आप देखोगे रिएक्टिविटी ज़्यादा ही होती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा ही होती है ना, ज़्यादा इंक्रीजिंग मॉडल में मिले। वाटर वाटर का क्या एक्सेल तो भी ऊपर जाने पड़ा था एयर के साथ साथ हमने तो रिएक्ट करते हैं उसके साथ, दे रिएक्ट वायलेंटली बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं मॉडल का। और HCl एंड डिल, पता नहीं डिल क्या है, HCl तो मेरे को होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H2SO4 डाइल्यूटेड, अच्छा वो डाइल्यूटेड है, वो डाइल्यूटेड HCl एंड डाइल्यूटेड H2SO4। H2SO4 क्या है, हाइड्रोसल्फेट है ना, तो वो कह रहा है ये डाइल्यूटेड एस सी एल क्या, डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड ना घिला तो एसिड घिली तो होते हैं, तो किधर डाइल्यूटेड एस सी एल हुआ डाइल्यूटेड एस टू एस फोर हुआ, तो इनके साथ बहुत वॉयटी क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन में भी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस किया हाइड्रोजन को, प्रोड्यूस किया हाइड्रोजन को, प्रोड्यूस किया एसिड के साथ उन्होंने हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया ठीक है। यूनिपॉजिटिव आयंस यूनिफॉर्म यूनिपॉजिटिव आयंस So they are strong reducing agents when freshly cut. This is typical silvery white is whiter metallic luster, but soon they turn dull because their reaction with air. Okay, okay. आप एकदम नए नए एक एलिमेंट को काट देगा फ्रेशली और एल्कली मेटल सॉल्ट इंपार्ट कलर टू द फ्लेम, वो फ्लेम एल्कली मेटल्स होते हैं मेटल्स वो अपना कलर आपको दे देते हैं, एक लिथियम आपको रेड कलर निकला आपको रेड कलर निकला फिर रेड कलर निकला थोड़ी सी जाओगे गोल्डन येलो कलर लेक 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 का मीनिंग भी देखिए कौन सा कलर होता है ना, तो उसके कलर निकलते हैं एल्कली तो मैं प्रोड्यूस नहीं कर रही एल्कली एल्कली मेटल्स आर ऑफन में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मेटल के प्रोसेस होती है उसके थ्रू ये रैप ऑपरेट किए जाते हैं, थोड़ी हिंदी बोलने वाले प्राप्त किए जाते हैं। मैं बार बार देख रहा हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम होती है बार उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ग्रुप टू ओके ग्रुप वन के वाले से बहुत सारे एल्कलाइन एल्कलाइन आर्स मेटल सर इनको भी एल्कलाइन बोल रहे हैं ना, ये भी रिएक्ट होते हैं ये भी अच्छे होते हैं ना ये भी रिएक्ट करते हैं इसलिए इनको एल्कलाइन बोला गया, लेकिन अर्थ मेटल्स मतलब क्या पढ़ते हैं एलिमेंट्स सच एज बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंथियम बेरियम एंड रेडियम आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अर्थ का रीजन क्या है, अर्थ का बिकॉज देयर ऑक्साइड्स अकर इन द अर्थ क्रस्ट, वो जो ऑक्साइड होते हैं ना ऑक्साइड जो होते हैं वो ऑक्साइड्स तो वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही होता है, एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स आर वीक एल्कलाइन, जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो काफ़ी वीक एल्कलाइन होते हैं
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑटोमस और तो वहाँ पे वन होते थे, तो ऐसे जैसे वहाँ पर उनकी वैलेंसी वन होती थी, लेकिन यहाँ पर उनकी वैलेंसी टू होती है, उनके दो इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो दे आर प्लेस्ड इन सेकेंड ए बोलो, है ना, सेकेंड ए ग्रुप बोल लो उसको, ठीक है, उसको फर्स्ट ए बोलना, आई ए नहीं, फर्स्ट ए, उसको सेकेंड ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन के बैठे। कन्फिगरेशन को छोड़ो, कन्फिगरेशन को छोड़ो, कन्फिगरेशन को छोड़ो, फर्स्ट वाले से थोड़े कम होते हैं, नेचर दे आर ग्रेस वाइट इन कलर, ग्रेस वाइट इन कलर होते हैं, हार्डर देन एल्कलाई मेटल, यानी ये सॉफ्ट नहीं होते, यानी ये सॉफ्ट नहीं होते बॉन्डिंग। ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट्स एक्सेप्ट सॉल्ट्स ऑफ बेरिलियम आर आयनिक कंपाउंड्स, एक्सेप्ट ऑफ एयर दे आर लेस रिएक्टिव टू इंक्रीजेस एंड मूविंग डाउन, इंक्रीजेस एंड मूविंग डाउन, इंक्रीजेस एंड मूविंग डाउन, इंक्रीजेस एंड मूविंग डाउन द ग्रुप, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज, जैसे वो ये जैसे वो ग्रुप के नीचे आते हैं। एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ वाटर, देखते हैं यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ऑक्सीजन क्या कहते हैं, कहते हैं वाटर के साथ है वो एसिड के साथ प्रोड्यूस रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ये डाइपॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, टू है, दो आयन दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, कहते हैं वहाँ पर यूनिक है, यूनिक मतलब वन, सर वन दिखाते नहीं है तो वन लिखते नहीं है। दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट से बोलेंगे वहाँ पर लो होते थे, यहाँ पे कंपेरेटिव उससे भी लो होते हैं, ओके, बट दिस इज हायर देन द एल्कलाइन मेटल, उनसे ज़्यादा हो, बट दिस इज हायर देन द एल्कलाइन मेटल, कंपेरेटिवली किससे कंपेरेटिवली बोला, अच्छा बाकी चीज़ों से देखो तो लो है, लेकिन अगर पहले वालों से कंपेयर कंपेयर करो ग्रुप से तो उससे थोड़ा हायर होगा, फिर थोड़ा हायर होता है ना, हायर देन द ग्रुप वन एलिमेंट्स, आप देख सकते हो हायर देन द ग्रुप वन एलिमेंट्स। एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम और अदर एल्कलाइन अर्थ ए मेटल फिल्मार्ट कर दूंगा, फिल्म कर रहे हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो सारे कलर छोड़ते हैं ना, दे ऑप्टेंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन सॉल्ट, मोल्टन सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करके ही मिलते हैं। या फिर ग्रुप सेवन थे या फिर ग्रुप सेवनटीन था, ग्रुप सेवनटीन लिखेगा, ये रोमन नंबर तो नहीं है, ये कौन सा तरीके लिखने का, ग्रुप सेवन लग रहा है मेरे को तो, और ग्रुप सेवनटीन लिख रहे हैं इसको, ठीक है। एलिमेंट्स आर नोन एज हैलोजन्स, उनको हैलोजन्स बोलते हैं, नेम हैलोजन कहाँ से आया, तो ग्रीक वर्ड है, एक तो हेलो है और एक जेन है, तो हेलो मतलब सी सॉल्ट, या तो सी या सॉल्ट, और जेन मतलब प्रोड्यूसिंग, यानी ऐसा एलिमेंट जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते, सॉल्ट प्रोड्यूस करते, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एजेंट वो एलिमेंट्स हो गए, सॉल्ट फॉर्मर, सॉल्ट बनाने वाले है ना, तो हेलोजन में सॉल्ट बनाने वाले, पोटेशियम है, एल मतलब ध्यान नहीं मुझे, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है ना, ये है एफ सबका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइन, अरे ये पता नहीं, ठीक है तो बता रहा है ये वो इसी से पहले की तरह कि के सेल में इसके दो एलिमेंट होते हैं, एल में इसके सेवन होते हैं, टोटल आकर नाइन हो गए, एम में एम एन ओ पी में एम एन ओ ऑर्बिट में इसकी एक भी एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन, इसके सेवन है कहाँ, 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 इसके सेवन है कहाँ
इनमें दो दो थे और सब ग्रुप बनने वाले में वन वन थे। दे आर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स, ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स रिएक्ट तो करते हैं लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं। दे आर रिएक्टिव टू डिग्रीज, रिएक्टिव टू डिग्रीज होती जाती है डाउन द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड इज द, हाँ फ्लोराइड है, फ्लोराइड इज द मोस्ट रिएक्टिव, आयोडाइड इज द लीस्ट रिएक्टिव। फ्लोराइड यानी फ्लोराइड के नीचे वाले एलिमेंट का है तो रिएक्टिविटी आपको थोड़ी कम मिली, तो भी लिखा भी बताओ। देर इज स्टडी इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, वहाँ पर कंटिन्यूस इंक्रीजमेंट आपको मिलता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट में एज वी गो डाउन की ग्रोथ है ना। द गैस फ्लोराइड इज द गैस, फ्लोराइड इज द गैस है, फ्लोराइड भी गैस है, ब्रोमाइन एक लिक्विड है, आयोडाइन एक सॉलिड है, एस्टाटाइन है सर, एटीन मतलब एस्टाटाइन। एस्टाटाइन इज हाईली रेडियोएक्टिव रेयर एलिमेंट। लाइट येलो गैस होता है, क्लोरीन जो ग्रीन येलो गैस होता है, ब्रोमाइन इज द रेडिश ब्राउन लिक्विड एड टू द वायलेट सॉलिड। दे ऑल आर पॉइजनस, ऑल आर पॉइजनस एंड हैव सिमिलर स्ट्रॉन्ग पंजेंट इन अनप्लीजेंट ऑर्डर। ऑर्डर का मीनिंग आपको पता होगा, ऑर्डर का पंजेंट का मीनिंग तो मुझे भी था, पंजेंट के लिए बोलेंगे तो उसका मीनिंग आपको बताता हूँ। इंटरेस्टिंग लगता है, इसका मतलब खट्टा भी होता है, या तो खट्टे से पॉइजनस होता है, खट्टा होता है। दे ऑल आर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, डाई डाई मतलब दो एलिमेंट वाला, दो आइटम्स वाला, ठीक है, एफ टू सी एल टू आई टू बी आर टू टू दे रहा है। दे ऑल हैव अ वैलेंसी वन, इनकी वैलेंसी वन होती है एंड फ्रॉम कंपाउंड सिग्नल फॉर्मूला। सिग्नल फॉर्मूले से मतलब क्या, सिग्नल फॉर्मूले से मतलब जैसे कि एक्स एस आर का कॉमन होगा हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोजन कॉमन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हाइड्रोजन कॉमन है, हाइड्रोजन आयोडाइड का हाइड्रोजन कॉमन है, इसका सिग्नल फॉर्मूले को ये दे प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, दे प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स। बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं क्लोराइड्स के साथ, क्लोराइड्स हुए, ब्रोमाइड्स हुए, हाइड्राइड्स हुए, टुगेदर दे नोन एज हैलाइड्स। हैलाइड हैलाइड्स तो बोलूंगा नहीं मैं, हैलाइड्स बोलूंगा, क्लोराइड हैलाइड्स बोल सकते हैं, ठीक है। द हैलोजन्स देमसेल्व्स कैन रिएक्ट डायरेक्टली विद मेटल टू फॉर्म मेटल हैलाइड हैलाइड। वो कहते हैं अगर हैलाइड्स को आप मेटल से रिएक्ट करा दो तो हैलाइड्स तो मेटल हैलाइड्स बन सकते हैं। दे ऑल फॉर्म नेगेटिव आयंस, ये नेगेटिव आयन बनाते हैं कैरिंग अ सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज होता है इनके अंदर। हाँ ग्रुप 17 खत्म, ग्रुप 0 यानी ग्रुप लास्ट वाला, ग्रुप 0 यानी ग्रुप लास्ट वाला नोबल गैस वाला ग्रुप 18। इसके बाद क्या दिया हुआ सिलेबस में, चैप्टर 5 से भी एंड कर देते तो उसको आज ही कर देते हैं। एक ये वाला पॉइंट बचा है और एक आधा पेज है, इसको भी खत्म कर देते हैं। चलो टाइम तो कम है, चलो कर देते हैं। ग्रुप 0 और ग्रुप 18 है नोबल गैस वाला। व्हेन सुना सुना चल रहा है, व्हेन मेंडेलिव फर्स्ट कंसिडर्ड रैंडिस ग्रुप 0 रिमेन टू बी डिस्कवर्ड, कि वो डिस्कवर हो पाएगा बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ एक्टिविटी। देयर वर नो क्लियर साइन ऑफ एग्जिस्टेंस, देयर एग्जिस्टेंस कोई ऐसा था मतलब कोई सिग्नल भी नहीं था, कोई साइन भी नहीं था, कोई सारा नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है।
उनका नेम रखेंगे